आज हम देखेंगे कि हम कैसे एलएक्स एलवाई एलजेड जो कि हमारे पास कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, जैसे वाई पी जेड इसको मैंने खोल लिया है पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कैसे लेके जा सकते हैं वो देखेंगे आज हम। यानी सिर्फ एलएक्स लिखा है, एलवाई एलजेड ये भी हो सकते हैं, तो जिनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट नहीं आता है पहले वो देख लें। तो देखिए ये आपके पास आर पोजीशन वेक्टर है जो कि आपके पास जेड एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल थीटा बना रहा है। इसका जो प्रोजेक्शन है आपके पास वो एक्स वाई जेड, ओके, तो ये फाई एंगल बना रहा है यहाँ से। देखिए ये आपके पास जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, आर कॉस थीटा, और ये यहाँ पर आर साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आर साइन थीटा कॉस फाई, समझ रहे हैं आप, आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई कितना बनेगा आपके पास, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड आपके पास आर कॉस थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा और फाई इंडिपेंडेंट हैं और एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है डिपेंड कर रहे हैं, आर थीटा फाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और फिर आपके पास एक्स वाई जेड डिपेंड कर रहे हैं इन फैक्टर्स के ऊपर। तो अब हमें एक्स वाई जेड को क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाते हुए आर थीटा फाई को डिपेंडेंट फॉर्म में चेंज करते हुए देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप। देखिए अगर मैं एक्स बाय वाई कर दूं, एक्स बाय वाई आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास बन जाएगा कॉट फाई, कॉट फाई बन जाएगा एक्स बाय वाई आपके पास। देखिए आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल, तो फाई आपके पास कितना आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिख सकता हूँ, अगर मुझे टेन के फॉर्म में चाहिए, कॉट के फॉर्म में नहीं चाहिए। एक तो ये बन गया हमारे पास। अब देखिए थीटा, थीटा निकालेंगे हम, थीटा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप आर साइन थीटा कॉस फाई है और इधर से आर कॉस थीटा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ वापस से तो क्या आएगा मेरे पास, टेन थीटा कॉस फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई जेड, और कॉस फाई यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कॉस फाई मेरे पास क्या बनेगा, देखिए कहाँ पर है ये, एक्स और वाई प्लेन में है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई जेड, और कॉस फाई आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉस फाई, देखिए बी बेस ओवर हाइपो, बेस देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेस आपके पास एक्स होगा, बेस एक्स होगा और हाइपोटेनियस आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपके पास कितना बन जाएगा ये, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर जेड। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे हम, थीटा हमारे पास कितना आ गया है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर जेड, ओके। आर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आर आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये तो आपको पता ही है। तो इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है, पहली बात तो इतना तामझाम इसलिए किया जा रहा है, देखिए आपको पता लगेगा कि आपको इसको चेंज करना कितना मुश्किल है, एक ही करके बताऊंगा, तो एक बताऊंगा एक ध्यान से सुन लेना। तो देखिए एल एक्स वाई पी जेड, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से ऊपर से देखें तो हमें चाहिए कर्ल बाय कर्ल जेड, कर्ल बाय कर्ल वाई, ये चीज़ें चाहिए हमें, क्योंकि जेड और वाई तो हमें पता ही है, जेड और वाई तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे, देखिए जेड ये रहा आपके पास, वाई ये रहा, तो ये पुट कर सकते हैं हम, तो और हमारे पास ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, पर हमें कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड नहीं पता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या सपोज करते हैं, देखिए साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा एंड फाई, इफ़ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए सिर्फ एक्स की वजह निकालूंगा, सिर्फ मैं कर्ल बाय कर्ल एक्स निकालूंगा यहाँ पर, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कर्ल साई ओवर कर्ल आर एंड कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स प्लस कर्ल साई ओवर कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स। आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब जो ये फॉर्म है इसके अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स की, कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स की, कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स की, उसमें फिर हम कंपेयर करके साई को बाहर निकाल देंगे और हमारे पास कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लेंदी जाने वाला है,
देखिए कर्ल आर बाय कर्ल एक्स निकालेंगे हम। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आपके पास कितना आएगा देखिए, आप भी निकालिए। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और 2x। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू हमारे पास थी आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये आपके पास आर है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस वाई, किसकी, कर्ल आर ओवर कर्ल एक्स की। अब निकालते हैं कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स। कर्ल थीटा ओवर कर्ल एक्स देखिए आपके पास ये रहा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं हम, 1/1 + x² तो 1/1 + x² तो देखिए आपके पास ये सारा एक्स है, तो आपके पास आएगा x² + y² / z² ओके। और देखिए अब डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/2 √x² + y² देखिए जेड आपके पास एक हिसाब से कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और एक्स बाई जेड तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आपके पास आर साइन थीटा कॉस फाई, और देखिए जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा z² + x² + y² जो कि मेरे पास कितना होगा आर स्क्वेयर के बराबर होगा, और यहाँ से मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट की है और ऊपर मेरे पास जेड अभी भी पड़ा है, जेड की वैल्यू मेरे पास क्या होगी आर कॉस थीटा ओके। नीचे मेरे पास है अंडर रूट x² + y² देखिए x² + y² अगर मैं करूँगा आपको वैल्यूज दिखा देता हूँ मैं, आपको इजी हो जाएगा, तो देखिए x² + y² करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास आर स्क्वेयर साइंस का थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास 1 बन जाएगा, तो आर स्क्वेयर साइंस का थीटा इसके x² + y² और उसका आपके पास क्या है रूट है, तो आपके पास ये आ जाएगा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और यहाँ से आर, तो आपके पास कितना बन गया ये कॉस थीटा कॉस फाई ओवर आर, इजी। ऐसे ही कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स निकालो, कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स, फाई देखिए कितना था, 10 फाई था आपके पास, ये इधर ऊपर लिखा हुआ है 10 10 इनवर्स √x² + y² 10 फाई, सॉरी 10 फाई था आपके, फाई था आपके पास 10 इनवर्स y/x, तो वो निकालते हैं 1/1 + y² / x² और विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो -y/x² तो x² / x² + y² नीचे आपके पास -y/x² है, तो x² से x² कैंसिल हो गया, y की वैल्यू देखिए आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कितनी थी -r sin θ sin φ, नीचे आपके पास x² + y² ये कितना बन जाएगा, हमने पहले भी निकाला था आपके पास कितना आ जाएगा ये r² sin² θ, और r ये कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा -sin φ/r sin θ, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई हैं, ये तीनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास कितना बन जाएगा देखिए कर्ल ओवर कर्ल एक्स ओके। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, आप चेक कर सकते हैं आपकी ये फॉर्म, आपकी भी यही फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है ओके। तो जैसे मैंने कर्ल ओवर कर्ल एक्स निकाला है वैसे ही आप कर्ल ओवर कर्ल वाई निकाला है, कर्ल ओवर कर्ल वाई निकालिए, कर्ल ओवर कर्ल जेड निकालिए ओके। तो मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया है, तो दूसरे आपके निकालने के लिए इजी रहेगा ठीक है, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके कर्ल ओवर कर्ल वाई निकाल सकते हैं। देखिए वाई का डिफरेंशिएशन कीजिएगा साई आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, जो जो वैल्यूज आपको नहीं पता है वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा और साई को एक एलिमिनेट करके आप कंपेयर करके वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके रेफरेंस के लिए मैं कर्ल ओवर कर्ल वाई की वैल्यू बता देता हूँ आपको, sin θ sin φ, तो अब इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, देखिए तो हमने क्या निकाला था एलेक्स, एलेक्स को चेंज करना था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, जो कि आपके पास क्या था आईटा एच कट जेड कर्ल ओवर कर्ल वाई -y कर्ल ओवर कर्ल जेड, यही था ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो आईटा एच कट जेड की वैल्यू हम जानते ही हैं, जेड की वैल्यू आपके पास कितनी थी, जेड की वैल्यू थी आपके पास आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा आ गया, कर्ल ओवर कर्ल वाई हमने निकाला ही अभी, ये रहा इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा पुट करना है भैया, साइन थीटा साइन फाई
कर्ल ओवर कर्ल आर, वन बाय आर साइन फाई कॉस थीटा, कर्ल ओवर कर्ल थीटा प्लस वन ओवर आर कॉस फाई साइन थीटा। ओके, ये आ गया आपके पास। माइनस माइनस क्या करना, वाई वाई आपके पास कितना, वाई आर साइन थीटा साइन फाई कर्ल ओवर कर्ल जेड, कर्ल ओवर कर्ल जेड छोटी सी वैल्यू है, कॉस थीटा कर्ल ओवर कर्ल आर माइनस वन ओवर आर कर्ल ओवर। तो ये जब आप सारा सॉल्व करेंगे आपके पास एल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास एल एक्स मिल गया। ओके, इसी तरीके से आप एल वाई भी निकाल सकते हैं और एल जेड भी निकाल सकते हैं।